नमस्कार 10 से 12 मिनट का एकदम टू द पॉइंट यह वीडियो रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों नमस्कार मैं अजय सिंह खर्ब स्वागत है आपका टेस्ट बुक सुपर कोचिंग पर पिछले काफी दिनों से एक मैसेज बार बार आ रहा था कि सर अगस्त में क्या एग्जाम नहीं होंगे अगस्त में जो एग्ज़ाम हमारे होने हैं उनका कैलेंडर आएगा नहीं आएगा इस प्रकार के मैसेज आ रहे थे और उसी पर हम लोग टू द पॉइंट आप लोगों से बातें करेंगे तो चलिए करते हैं शुरुआत सपना हेलो सुमेता चौहान गुड इवनिंग बेटा कैसे हैं स्नेहा गुड इवनिंग गीत हेलो सलोनी गुड इवनिंग संगीता गुड इवनिंग शबनम गुड इवनिंग श्वेता पाल श्रद्धा नमस्ते मैं एकदम अच्छा हूं आप लोग बताइए सभी पर बात करेंगे हम लोग चाहे आप लोगों का नर्सरी टीचर का पेपर हो टीजीटी का हो पीजीटी का हो सभी पर बात करेंगे प्रीति यादव स्नेहा दिनेश श्रद्धा शबनम चलिए काफी सारे बच्चे आ चुके हैं करते हैं शुरुआत ये अपनी डी टी प्लस बी की ऑफिशियल वेबसाइट जो बार बार आप लोगों को बता दी जाती है आ? तो यहीं से आप लोगों को सभी अपडेट मिलती हैं ये आप लोग देख पा रहे होंगे लिंक टू डाउनलोड ई एडमिट कार्ड फोर एग्जाम्स शेड्यूल्ड सात जुलाई से लेकर के और सत्ताईस जुलाई तक के जो एग्जाम होने हैं उनका जो ये शेड्यूल है आप सभी को पता होगा कि एक महीने पहले ही जारी कर दिया गया था जैसे कि ये पेपर जो हैं सात जुलाई से शुरू हो रहे थे तो 10 जून के आसपास 10 जून के आसपास शेयर कर दिया गया था है ना? लेकिन अब हम लोग देख पा रहे हैं कि 15 जुलाई हो चुकी है और अभी तक अगस्त में जो एग्जाम होने हैं उनका कोई कैलेंडर जारी नहीं किया गया है अब इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं हम नहीं जानते कि डी ट्रिपल एस बी के अंदर खाने क्या चल रहा है लेकिन मेरे प्यारे साथियों जो मुझे लग रहा है और जो इधर उधर से बेटा इन्फॉर्मेशन सभी लोग कोई इकट्ठे करते हैं तो हमारे पास जो बात निकल करके आई है वो ये है कि शायद ऐसा हो सकता है कि अगस्त महीने में जो एग्जाम होने हैं वो अगस्त के लास्ट में शेड्यूल किए हों डी ट्रिप्लिस बी ने अगर ऐसा होता कि डी ट्रीप्लस बी ने अगस्त महीने के शुरुआती समय में एग्जाम शेड्यूल किए होते तो अभी तक वह एग्जाम शेड्यूल जारी कर देता तो आप ये मान करके चले कि अगस्त का जो सेकंड हाफ है उसमें आप लोगों के एग्जाम होने की उम्मीद बन रही है अभी तक जिस प्रकार से जैसे डी ट्री प्लस बी काम कर रहा है उसे देख करके तो तो अब आप बिल्कुल ये मान करके चलें कि अगस्त के शुरुआती समय में शायद आप लोगों का पेपर जो है वो ना हो अब अगस्त में कौन से पेपर हो सकते हैं उन पर भी हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं अभी जो एग्जाम पेंडिंग है आप लोगों के वो एग्जाम है अपना नर्सरी टीचर वाला टीजीटी वाला अपना एग्जाम और पीजीटी वाला एग्जाम देखिए सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरे गए हैं जो ऑनलाइन आप लोगों ने अप्लाई किया है सबसे ज्यादा अप्लाई आपने किया है टीजीटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने तो टीजीटी का जो आपका एग्जाम है आप वो ये मानकर के चलें कि अक्टूबर सितंबर ये दो महीने ठीक है अब आप देखेंगे पहले मैंने अक्टूबर कहा है बाद में सितंबर कहा है ये मायने समझने का प्रयास करें आप लोग तो इसका मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का जो टीजीटी वाला एग्जाम है वो खींच सकता है अक्टूबर तक और राइट right? तो ये सितंबर और अक्टूबर दोनों महीने आप लोग मान करके चलें कि टी के जो आप लोगों के एग्जाम हैं उनका शेड्यूल डी एस बी की ओर से आप लोगों को मिल जाएगा महीने भर पहले जब भी वो एग्जाम होने होंगे ठीक है अब बात करते हैं एन को लेकर के और पीजी को लेकर के पी के कुछ एग्जाम हम लोगों को अगस्त के लास्ट में देखने को मिल सकते हैं और अगस्त के बाद अपना जो सितंबर है कुछ एग्जाम उसमें देखने को मिल सकते हैं एन का जो अपना एग्जाम है बेटा उस पर अभी तक जो हम एक उम्मीद बना करके रख सकते हैं वो यही कि अगस्त के सेकेंड हाफ में हमें एग्जाम देखने को मिल सकता है और राइट डी टीप्लस भी आप लोगों का जो एग्जाम है वो नवंबर महीने तक लेगा मैक्सिमम अगर वो लेगा तो और जनवरी फरवरी में आप लोगों के पेपर डी ट्रिपल एस भी नहीं लेगा क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है दिल्ली में आप लोग जानते हैं जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना दिल्ली के अंदर डिग्री कभी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की है कभी बहुत ज़्यादा कम यही है दिल्ली यहाँ पर हर एक मौसम भरपूर देखने को मिलता है तो जब सर्दियां आती हैं तो सर्दी भी यहाँ पर अच्छी खासी होती है और गर्मी जब आती है तो गर्मी के भी रिकॉर्ड टूट जाते हैं डी तो ट्री प्लस बी का बेटा एक नियम है कि आप लोगों को एकदम सादे कपड़े पहनकर आना होता है और जब आप लोग जाएंगे वहां पर एग्जाम देने तब आप देखेंगे अगर किसी ने कोई ऐसी टी शर्ट या शर्ट पहनी है जो स्लीव्स फुल है तो टी शर्ट को कट करवा देंगे शर्ट को कट करवा देंगे कहेंगे इसको हाफ करो तो वो आप लोगों को कहते हैं एकदम सिंपल साधे किसे कपड़े पहन कर के आओ कुछ बन ठन करके आने और बहुत ज्यादा कुछ ताम झाम पहन कर आने की जरूरत नहीं है आप लोग किसी प्रकार का कोई हाथ में गले में कान नाक कहीं इस प्रकार का जो अपना कुछ भी ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं वो नहीं पहन कर जा सकते हैं। वो तक वो उतारने के आदेश देते हैं कोई पहन के चला गया है तो सीधा सा कहते हैं कि जी बाहर जाइए और इन्हें निकाल करके आइए सर्दी में तो कैप वैप पहन करके जाते हैं सब हैं जैकेट वैकेट पैक होकर के तो ऐसा नहीं होगा तो इसलिए सर्दी में पेपर डीट रिप्रेस भी आप लोगों के नहीं लेगा ऑनलाइन पेपर होते होते हैं हैं नवंबर तक एग्जाम के चांसेस बने होते हैं कि वो ले लेगा क्योंकि नवंबर में इतनी ज्यादा सर्दी दिल्ली एनसीआर में नहीं है कि वो दिन के समय में पेपर नहीं ले पाए और जो अपनी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने की उनकी प्रोसेस है जो वहां अंदर लैब होती हैं वहां तो पर भी इतनी ज्यादा कुछ सर्दी लगती नहीं है नवंबर के महीने में हम खुद से आते जाते रहे तो हमें भी अच्छे से पता है सारे प्रोसेस का तो ये है बेटा कुल मिलाकर के सभी अपडेट एकदम टू द पॉइंट आप लोगों को सभी अपडेट दी हैं ठीक है ठेके? कोई इधर उधर की बात नहीं है अब बातों को कितना भी पकड़ के खींच लें उससे कोई फायदा नहीं है टू द पॉइंट बात करें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है बहुत सारे बच्चे हैं वो लगातार पूछ रहे हैं कि सर पीआरटी का डीजीपी कब तक आएगा तो डीजीपी आप लोग जानते हो क्या है जो जो बच्चे जानते हैं डीजीपी के बारे में बताइए जरा फुल फॉर्म क्या है इसकी बस इतना बता दो मैं समझ जाऊंगा आप जानते हैं डिट प्लस बी गाइडेंस प्रोग्राम अभी तक ये प्रोग्राम मैंने एन टी टी के लिए बनाकर दिया था और टीजीटी के लिए बनाकर दिया था ऐसा कौन कौन है यहां पर जिसने एन वाला ज्वाइन किया था और टी वाला ज्वाइन किया था कितने साथी हैं हमारे कैसा रहा बेटा एन वाला डी आपने ज्वाइन किया था जो और टीजी टी वाला कैसा रहा जो आप लोगों ने ज्वाइन किया था कुछ ऐसे भी बच्चे थे कि वो तैयारी तो पी की कर रहे हैं लेकिन उन्होंने एन वाला और टी वाला डी ट्रिप्लस बी गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया देखने के लिए अपना रिस्पॉन्स जरूर दो कि सर ऐसा था अगर लगेगा कि कोई कमी तो इम्प्रूव करेंगे उसको और लगेगा सर बढ़िया था तो वो भी बताइए आपने देखा होगा ये एकदम फ्री था किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया और मैं ये बात कुछ दिन पहले भी कह चुका हूँ और फिर से दोहरा रहा हूं पीआरटी का पूरी कोचिंग इंडस्ट्री का सबसे बेहतर फ्री गाइडेंस प्रोग्राम बनाने में लगा हुआ हूं और डी ट्रीप्लस बी का जो पीआरटी वाला डीजीपी मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए एकदम फ्री होगा टेंशन मत लेना पार्ट ए का भी लेके आऊंगा पार्ट बी का भी लेकर आऊंगा कंप्लीट डी ट्रिप्लेस बी गाइडेंस प्रोग्राम पीआरटी वाले पर मैं बहुत गहराई से काम करने में लगा हुआ हूं कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं जाएगा मेरे गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर कि एन वाले में से कुछ उठा लिया थोड़ा टीजीटी वाले में से उठा लिया और बना करके दे दिया इतना शानदार यह है फ्री प्रोग्राम फ्री गाइडेंस प्रोग्राम आप लोगों को बनाकर दूंगा पार्ट ए और पार्ट बी की वो बच्चा जिसके पास कहीं कोर्स लेने के पैसे नहीं होते हैं वो फ्री में एकदम अपनी प्रिपरेशन कर लेगा लेकिन थोड़ा इंतजार तो करो हाँ थोड़ा इंतजार तो बेटा करना पड़ेगा जिसके जो भी एक्सपीरियंस मेरे साथ डायरेक्ट अपनी प्रिपरेशन करके रहते हैं वो जरूर आप लोग बताया करो इससे हमें भी अच्छा लगता है हमारा भी हौसला बढ़ता है अब बात करते हैं कई सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर आपसे हम बात करना चाहते हैं आपसे हम कैसे बात कर सकते हैं तो देखो पहले भी मैं आपको कहता रहा फिर से आपको बता देता हूं आप लोगों को मुझसे कभी भी कोई भी बात करनी हो ये मेरा नाम सर्च कर लेना सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप लोगों को इसी नाम से मैं मिलूंगा स्पेलिंग गलत मत करना टेलीग्राम पर चैनल है इसी नाम से सर्च करो मिल जाऊंगा ज्वाइन कर लो मुझसे बात करनी है डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर इसी नाम को सर्च करो इंस्टाग्राम पर मैं आपको मिल जाऊंगा इसी नाम से और किसी ने फेक प्रोफाइल्स बना रखी हो तो वहां पे मत जाना और फेसबुक पर भी मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा चलिए खुश रहें स्वस्थ रहें अगली क्लास में करेंगे मुलाकात यानी कि कल रात नौ बजे